Welcome to Women for His Glory program. Namaste, Striya. Striya Parmeshwar ki mahima ke liye is karyakram mein aapka swagat hai. Once again, I am very happy to be with you. Ek bar fir main aap sab se milkar khush hoon. I am looking forward to sharing with you today what God has laid in my heart. आज मैं आपको उन बातों को बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है। I believe last week we talked about Mary Magdalene and the scene where Jesus was buried. मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले हफ्ते हमने मरियम मगदलीनी के बारे में बात किया था और उस बात को देखा था जब यीशु मसीह को दफनाया गया। How she was at the tomb and she got to meet the risen Savior. जिस प्रकार वो कब्र के पास थी और वो जी उठे परमेश्वर को देख पाई। And she also got to see the angels. उसने स्वर्गदूतों को भी देखा। And she got to see the heavens open. और उसने स्वर्ग को खुला देखा। She got to see the light. और उसने उस रोशनी को देखा। And she felt the earthquake. और उसने उस भूकंप को महसूस किया। She was at the right place at the right time. वो सही जगह में सही वक्त पर थी। And the Lord gave her a very special message to take it to the disciples. और प्रभु ने उसे एक बहुत ही खास संदेश दिया जो वो उनके चेलों के पास ले गई। She was the first woman to receive that word. उस शब्द को पाने वाली सबसे पहली स्त्री वो ही थी। वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑन आवर सेवियर्स लाइफ शी वॉज देयर। हमारे मसीह के जीवन के सबसे खास घटना जब घट रहा था तब वो उनके साथ थी। हर आईज वे ओपन टू सी इन द सुपर नेचुरल रैम। अलौकिक दुनिया को देखने के लिए उनकी आंखें खुली थी। सेम वे द लॉर्ड इज कॉलिंग यू वुमेन टुडे। इसी प्रकार प्रभु आप स्त्रियों को बुला रहे हैं। दैट In these last days, he wants to show you things. He wants to tell you things. वो चाहते हैं कि इन अंतिम दिनों में आपको बातें बताएं और आपको बातें दिखाएं. And he wants to open your eyes and open your ears. और वो आपकी आँखों और कानों को खोलना चाहते हैं. So you can see and hear and declare also. ताकि आप देखे और सुने और उन बातों की घोषणा कर सके। Today I want to talk about not only Mary Magdalene but company of women, not only one but a group of them. आज मैं सिर्फ मरियम मगदलीनी के बारे में नहीं लेकिन एक स्त्रियों के झुंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। Because they were always there with the Lord when he was ministering and at the major events in his life. क्योंकि संसार में जब परमेश्वर सेवकाई कर रहे थे और उनके जीवन के खास घटनाओं के समय ये सारी स्त्रियाँ उनके साथ थी। And they got to see supernatural things. और उन्होंने अलौकिक बातों को देखा। They got to hear supernatural things. और उन्होंने अलौकिक बातों को सुना। And they were able to declare. और वो ऐसे बातों की घोषणा कर सके। We all know that we live in last days. हम सभी जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। This is a very important season in the history of humankind. ये मानव इतिहास का सबसे खास समय है। And there is lot of supernatural activities. और बहुत सारी अलौकिक बातें हो रही हैं। And angels are visiting with messages. स्वर्गदूत संदेश लेकर हमारे पास आ रहे हैं। God is opening his people's eyes to see in the spiritual realm. परमेश्वर अपने लोगों की आंखों को खोल रहे हैं ताकि वो अलौकिक बातों को देख सके। एंड दे आर रिसीविंग मैसेज फ्रॉम हेवन टू ब्रिंग इट टू अर्थ। और वो स्वर्ग से संदेश को पा रहे हैं ताकि संसार में उसकी घोषणा कर सके। एंड गॉड इज गिविंग देम सुपरनेचुरल अंडरस्टैंडिंग इन देयर हार्ट्स ऑफ हिज वर्ड। और परमेश्वर अपने अलौकिक समझ को दे रहे हैं इन स्त्रियों के हृदय में ताकि वो उनके वचन को समझ सके। जस्ट लाइक इन द बाइबल द वे द लॉर्ड यूज्ड वुमेन। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बाइबल की स्त्रियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। He wants to use you again today. आज वो फिर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। I am here to encourage you from the word of the Lord that how this belongs to you in this hour. आज मैं आपको उत्साह दिलाने के लिए इधर आई हूँ ताकि आपको इस वचन से बता सकूं कि ये आपके जीवन में इस समय में कैसे काम करेगा। Because God wants to use you in these end days. क्योंकि इन अंतिम दिनों में प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। In book of Matthew chapter 28 verse 9, here we see that there were company of women that were with Mary Magdalene. मत्ती 28 के 9 में हम देखते हैं कि जब मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के कब्र पर गई, उनके साथ एक स्त्रियों का झुंड गया था। As the Lord gave them the message to go tell my disciples, जब प्रभु ने उन्हें ये संदेश दिया कि जाओ और मेरे चेलों को बताओ। Let's read verse 9. आइए हम नवे वचन को पढ़े। Verse 9 says, And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, Rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम।
उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। सो हियर वी सी दैट आफ्टर दे सॉ हिम एट द ग्रेव साइड, यहां हम देखते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को कब्र के पास देखा, एंड द लॉर्ड गेव मैसेज टू मेरी मैग्डलिन, और प्रभु ने मरियम मग्दलीनी को एक संदेश दिया। सो ऑन देयर वे टू टेल द डिसाइपल्स, जब वो उनके चेलों को बताने के लिए जा रहे थे, and Jesus came and met them again. यीशु मसीह फिर से आके उनसे मिले। And he said, rejoice. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आनंद मनाओ। So not only one, but a group of them saw the Lord. इसलिए सिर्फ एक नहीं, लेकिन स्त्रियों के एक झुंड ने यीशु मसीह को देखा था। And they came and ran to him and fell at his feet and worshipped him. और वो आए और प्रभु की ओर दौड़े और उनके पैर पर गिरे और उनकी आराधना करने लगे। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे दैट द लॉर्ड इज नॉट ओनली स्पीकिंग टू वन बट ही इज गिविंग द सेम मैसेज टू मेनी। तो इसलिए आज मैं आपको उत्साह दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु सिर्फ एक स्त्री से नहीं, लेकिन बहुत सारे स्त्रियों से ये संदेश दे रहे हैं। आई नो देयर आर ग्रुप्स ऑफ वुमेन आउट देयर राइट नाउ दैट गेट टुगेदर एंड वर्शिप द लॉर्ड एंड प्रे एंड इंटरसीड टुगेदर। मैं जानती हूँ कि वहाँ स्त्रियों के झुंड है जो एक साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। As you come to the Lord with an open heart and ask Him, Father, show us what are you doing in the world today? जब आप एक खुले हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि पिता दिखाइए कि आप इस संसार में आज क्या कर रहे हैं। The message that you have for your people, परमेश्वर का जो संदेश उनके लोगों के लिए है। And those that are suffering and hurting today, और वो लोग जो कष्ट और तकलीफ में हैं, and if there are families who are struggling and they need a word today, अगर उनका परिवार कष्ट में है और आज एक वचन को चाहता है, as you are praying for each other, जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, if there is situations in the churches, अगर कलीसिया में ऐसे परिस्थिति है, if there is situations in the neighborhood, अगर आपके आसपास में ऐसी परिस्थिति है, एंड इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर नेशंस, और अगर आपके राष्ट्र में ऐसे कुछ हो रहा है, एंड पीपल नीड अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट एंड रिडेम्पशन, और लोगों को उत्साह और छुटकारे का एक शब्द चाहिए, इन दिस लास्ट डेज द बाइबल सेज दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी कमिंग ऑन द वर्ल्ड लाइक जजमेंट। बाइबल बताती है कि इन अंतिम समय में बहुत सारे न्याय की बातें संसार में आएंगी। देयर इज गोइंग टू बी अर्थक्वेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में भूकंप आएगा। देयर इज गोइंग टू बी hurricanes and flooding all over the world. पूरे संसार में तूफान और बाढ़ आएगी। There is all kinds of problems in the world you have been seeing in the news. इस संसार में इतने सारी परेशानियां हैं, आप इसे न्यूज में देखते हैं। And just like in Jesus's time, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह के समय में होता था, during the time they were crucifying him, उस समय में जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, there was all kinds of problems among people. लोगों के बीच में बहुत सारे अलग तरीके के परेशानियां थी। They were not sure what was going on. वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। People of God were afraid of the Roman soldiers. परमेश्वर के लोग रोमी सैनिक से डर रहे थे। Because it was one of the major events in human history. क्योंकि मानव इतिहास का सबसे खास घटना हो रहा था। And one of the things happened when he was crucified, there was darkness. जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो एक बात जो हुई वो ये थी कि सारे जगह में अंधियारा छा गया था। There was earthquake. वहाँ भूकंप हुआ था। People knew the promise of the Lord, but they really didn't know what was going to happen. परमेश्वर के जो वायदा है उसे लोग समझते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला था। But we all know that our Savior arose from the dead. लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जो मसीहा है वो मृतकों में से जी उठे हैं। And he brought the word of life. और वो जीवन के संदेश को लेकर आए। And this woman came to see him. और ये स्त्रियां उनसे मिलने आई। Because out of their devotion and their worship and their love for the Lord, परमेश्वर के प्रति जो प्यार था, परमेश्वर के प्रति जो आदर था, उसके कारण वो उनके पास आए। Because they knew what the truth was, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य क्या है। And they were able to receive this word of life, और वो इस जीवन के संदेश को पा सके। At this season, they knew something special was going to happen, but they were not sure. इस समय में वो जानते थे कि कुछ खास बात होने वाली है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। द वर्ड दैट वॉज गोइंग टू कम फोर्थ एंड सेट द वर्ल्ड फ्री, वो वचन जो आगे आकर इस संसार को छुटकारा देने वाला था। जस्ट लाइक टूडे वी नो आवर ब्लेस्ड होप आवर सेवियर इज कमिंग बैक फॉर अस,
बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आज हम जानते हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आशा है, हमारे मसीहा वापस आ रहे हैं. एंड बिफोर ही डज दैट द बाइबल सेज इन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24. ऐसे करने से पहले वचन में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय पर, बिकॉज एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग टू रिसीव हिम, क्योंकि सब लोग उनका स्वीकार नहीं करने वाले. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सिन, ये संसार पाप से भरा हुआ है. सिन अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के प्रति पाप. So because of that, the Lord has to bring judgment. इसके कारण परमेश्वर को इस संसार पर न्याय लाना ही होगा. So there's going to be all kinds of problems all over the world. इसलिए पूरे संसार में अलग अलग तरीके की परेशानियां होंगी. People are going to have fear in their hearts. लोगों के हृदय में भय छा जाएगा. Because if they don't know the Lord, they are going to be very fearful. क्योंकि अगर वो परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो वो बहुत ही डरे हुए होंगे. Many of them will be losing their lives. बहुत सारे लोग अपने जीवन को खो देंगे. But this hour the Lord is raising up people. लेकिन इस घड़ी में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं. Because the Bible says if you ask him, he will show you things to come. क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर से पूछोगे तो वो उन बातों को आपको दिखाएंगे जो होने वाली हैं. सो दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग यू वुमेन, इसीलिए प्रभु आप स्त्रियों को बुला रहे हैं. ही इज कॉलिंग यू बिकॉज ही वांट्स टू गिव यू द वर्ड ऑफ लाइफ, वो आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो आपको जीवन का संदेश दे सके. अ स्पेशल वर्ड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से एक खास शब्द. लेट्स talk about if there is a disaster or there is flooding in your area. आइए हम बात करते हैं अगर आपके चारों ओर कोई आपदाएं या बाढ़ आ जाता है. God will show you beforehand. परमेश्वर उसके होने से पहले ही आपको दिखा देंगे. And he will show you what to do and to collect things to help people. और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप सामानों को इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों को सहायता कर सकते हैं. Because you live in that area, woman of God. क्योंकि परमेश्वर की स्त्रियों आप उस जगह में जी रहे हैं. As the Lord shows you, you fast and you pray. जब प्रभु आपको ऐसी बातें दिखाएंगे तो आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना होगा. There will be no damage. कोई दुर्घटना नहीं होगी. Your place, your property won't be touched. आपका जगह और आपका जो भी संपदाएं हैं वो सब छुई नहीं जाएगी. And you will, through you, your family will be saved. आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा. Through you, your neighborhood can be saved. आपके द्वारा आपका आस पड़ोस बचाया जाएगा. Because the Lord wants you to believe like that. क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप इस प्रकार विश्वास करें. If there was no food and all you had a plate of food. अगर आपके पास भोजन नहीं है, सिर्फ एक प्लेट खाना है. You will be able to lift it before the Lord. आप उसे परमेश्वर के सामने उठा सकेंगे. And see the Lord multiply it. और आप देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु उसकी इतना बढ़ोतरी करते हैं. So he's calling you today to give you word of life. तो इसलिए आज प्रभु आपको इसलिए बुला रहे हैं ताकि आपको जीवन का संदेश दे सके. Through you his name will be glorified. आपके द्वारा उनके नाम की उन्नति होगी. So these women worshiped God. तो ये स्त्रियों ने परमेश्वर की आराधना की. एंड दे वर एबल टू गो एंड टेल द डिसिपल्स व्हाट दे हैव सीन एंड व्हाट दे हैव हर्ड. और वो उन चेलों को जाके ये बता सके कि उन्होंने किस बातों को देखा और क्या सुना. जस्ट लाइक टुडे द लॉर्ड वांट्स टू ओपन योर ईयर्स एंड ओपन योर आईज. बिल्कुल उसी प्रकार जैसे परमेश्वर आपकी आंखों को और आपके कानों को खोलना चाहते हैं. एंड ही वांट्स टू गिव यू वर्ड. और वो आपको संदेश देना चाहते हैं. एंड यू विल बी एबल टू गो एंड गिव द वर्ड ऑफ लाइफ ऑल्सो. और आप आगे जाके लोगों को उस संदेश जो जीवन का संदेश है उसे बांट सके. एंड देट विल चेंज एंड ब्रिंग लाइफ एवरीवेयर. और इसके द्वारा आपके चारों ओर बहुत सारी बदलावट आएगी और जीवन आ जाएगा. एंड अनदर पावरफुल वर्ड दैट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे. और आज जो दूसरा सामर्थ्य शब्द मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है. वी आर गोइंग टू लुक एट बुक ऑफ लूक चैप्टर 23. हम लूक का 23 को देखेंगे. वर्स 27 to 31. 27 से 31वें वचन तक. दिस स्टोरी इज जस्ट बिफोर द लॉर्ड वॉज क्रूसिफाइड. ये घटना बिल्कुल यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले घटी थी. एज ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग दैट क्रॉस. जब वो उस क्रूस को लेकर उस राह पर चल रहे थे. एंड वर्स 27 सेज एंड अ ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल फॉलोड हिम एंड वुमेन हु आल्सो मॉर्न्ड एंड लमेंटेड हिम. 27वां वचन कहता है लोगों की बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उनके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी. देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ वुमेन दैट लव्ड हिम एंड हर्ड हिज वर्ड. ये वो स्त्रियों की झुंड थी जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे और उनके वचन को सुन रहे थे. दे लव्ड हिम बिकॉज ही हैड सेट देम फ्री, ही हैड हील्ड देम.
वो उनसे इसलिए प्रेम करते थे क्योंकि उन्होंने उन्हें छुड़ाया था और उन्हें चंगाई दिया था. They have lived in bondages for years and years. और वो बहुत सारे सालों तक बंधनों में थे. This company of women were following him. ये स्त्रियों का झुंड यीशु मसीह के पीछे चल रहा था. Because this is their savior, their Lord who had set them free. क्योंकि ये उनके सेवक और परमेश्वर है जिन्होंने उनको छुटकारा दिया है. And their eyes couldn't believe what was happening to him. और वो उनके आंखों से विश्वास नहीं कर पा रहे थे जो यीशु मसीह के साथ हो रहा था. Because these are the women that were set free from many things. क्योंकि ये वो स्त्रियां थी जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सारे बंधनों से छुटकारा दिया था. So they were there right in front, close to him. तो वो वहीं पर थे बिल्कुल सबके आगे यीशु मसीह के करीब. These women were very persistent. ये स्त्रियां बहुत ही दृढ़ थी. And in verse 28, और 28वें वचन में the Lord turns around and speaks to them. यीशु मसीह मुड़कर उनसे बात करते हैं. This is so amazing to me. ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है. Here he is bleeding, he's hurting in his body all over because he had been just beaten. यहाँ यीशु मसीह है जो पूरे शरीर में उनका लहू बह रहा था क्योंकि अभी अभी उन्हें इतना मारा गया. And he is carrying a very heavy cross on his back. और वो अपने पीठ में बहुत ही भारी क्रूस को लेकर चल रहे थे. He is basically carrying the whole sin of the world on his shoulders. वास्तव में वो पूरे संसार का जो पाप है उसे अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे. And he turns around and he speaks to these women. और वो मुड़कर इन स्त्रियों से बात करते हैं. That shows that how much he loved them also. इससे हमें ये पता चलता है कि वो उन स्त्रियों से कितना प्यार करते थे. He honored their devotion to him. उन्होंने उनकी जो भक्ति प्रभु के प्रति थी उसका आदर किया. He honored their worship to him. उन्होंने परमेश्वर के प्रति जो आराधना थी उन स्त्रियों के मन में उसका आदर किया. These women were very special to him. परमेश्वर के लिए ये स्त्रियां बहुत ही खास थी. Just like he was very special to these women. बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यीशु मसीह उन स्त्रियों के लिए बहुत खास थे. So here it shows our merciful God. यहाँ हम देखते हैं हमारे करुणामय प्रभु को. And he wants to declare a word to him. और वो उन लोगों को एक शब्द बताना चाहते हैं. But we will get into it later. लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे. But I would like to pray for you right now. लेकिन अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ. Because I will share this powerful word and the meaning of this word that the Lord gave these women later. क्योंकि बाद में सामर्थी संदेश और वो शब्द को मैं आपको बताऊंगी जो प्रभु ने इन स्त्रियों को बताया था. If you have been discouraged in your life. क्योंकि अगर आप अपने जीवन में निराश हैं. And you are having a hard time worshiping him and praying to him and coming before him. और आपको बहुत ही कठिनाई महसूस होती है परमेश्वर की आराधना करने में उनके सम्मुख आने में. I'm going to pray that there's going to be a breakthrough in your heart and your spirit today. आज मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ कि प्रभु आपको इन बातों से छुड़ा दे. That you will be able to come to him with your all of your heart and in your mind. ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख अपने पूरे हृदय और मन के साथ आ सके. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, I come to you. पिता, मैं आपके सम्मुख आती हूँ. Right now in Jesus name. अभी यीशु मसीह के नाम से. And I pray for all these women who are watching. और मैं सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इसे देख रहे हैं. Father, I pray. प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ. That you will touch their hearts and their minds. कि आप उनके हृदय और मन को छू लीजिए. Lord, there has been hindrances that they are not able to worship you. प्रभु, उनके जीवन में बंधने थी जिसके कारण वो आपके सामने आकर आराधना नहीं कर पा रही थी. बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस ऑफ लाइफ, जीवन की परिस्थितियों के कारण. Lord, I pray and I come against any hindrances. प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ और उन सारे बंधनों के आगे आती हूँ. Right now in Jesus name. अभी यीशु मसीह के नाम से. And Father, I pray. और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता. That as they get together alone or in a group. कि वो जब आपके सम्मुख अकेले या झुंड में आए. That you will open their eyes and open their ears. आप उनकी आंखों और कानों को खोल दीजिए. That they can see and hear. ताकि वो आपको देखकर सुन सके. Lord, that you will show them things to come. और आप उन्हें आने वाली बातों को बताइए. That you will use them, Father. आप उनके इस्तेमाल करिए पिता. In a mighty way in these last days. इन अंतिम समय में एक सामर्थी रूप से. Lord, that they will receive the anointing of worshippers and warriors. प्रभु, वो
आराधना और योद्धाओं के जो सामर्थ्य उसे पाले. एंड आई थैंक यू फॉर इट इन जीसस नेम. इसके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ. आमीन. आमीन. वुमन रिमेम्बर यू आर कॉल्ड बाय द लॉर्ड. स्त्रियां याद रखिए आपको प्रभु ने बुलाया है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हमें सुनने के लिए धन्यवाद. इफ यू आर ब्लेस्ड बाय दिस प्रोग्राम प्लीज सेंड योर टेस्टिमनीज एंड फीडबैक्स टू Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.